यूपी के बरेली जिले में कुदेशिया पुल जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना है उसकी मरम्मत का काम बीच में ही छोड़ दिया गया है। रेलवे ने सिर्फ एक भाग पर ही डामर डाला है, इससे सड़क दूसरी ओर पर काफी खराब हो गई है। अधूरी मरम्मत के कारण ऊंची नीची सड़क पर हादसे का खतरा बढ़ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बरेली बागेश्वर मार्ग पर बने कुदेशिया ओवरब्रिज पर सड़क पिछले करीब 2 महीने से बहुत खराब है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति रेलवे क्रॉसिंग के ठीक ऊपर है, वहां सड़क चलने लायक नहीं बची है। करीब 5 दिन पहले रेलवे के अधिकारियों ने पुल का रास्ता तक ऊपर की सड़क की मरम्मत कराई। दिन भर काम के बावजूद ठेकेदार वहां आधी सड़क पर ही डामर डालकर चले गए। पास की आधी सड़क जिस पर काफी गड्ढे थे उसे छोड़ दिया गया है। अधूरी सड़क की मरम्मत होने के कारण वहां हादसे की आशंका बढ़ गई है। वाहन चालक अपने वाहनों को गड्ढों से बचाने के लिए दूसरी ओर चले जा रहे हैं। रात में गड्ढे मुश्किल से ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद रेलवे के अधिकारी स्थिति को देखने के लिए नहीं आए। पुल के अप्रोच पर भी कई जगह गहरे गड्ढे हो गए थे जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने बीते दिनों भरवा दिया, लेकिन मुख्य सड़क अभी भी खराब पड़ी है। ऊंची नीची सड़क पर वाहन चालक बचने के चक्कर में एक तरफ ही चल रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति भी बन रही है।